TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। हरियाणा का बजट सत्र है 20 तारीख को और 23 को बजट पेश किया जाएगा। सरकार ने किस तरीके की तैयारी की है बजट को लेके, क्योंकि सरकार का आखिरी बजट है, विधानसभा चुनाव है और जाहिर है जब भी सरकार का आखिरी बजट होता है तो लोगों को बात करने के लिए कवरवाल सर मौजूद है। सर, आपका इस बार का आखिरी बजट है तो किस तरीके से हरियाणा के लोगों के लिए क्या खास रहने वाला है, क्योंकि आखिरी बजट को अक्सर इस नजर से देखा जाता है कि लोगों को जरूर लुभाया जाएगा। देखिए, हमारे जितने भी बजट आज तक प्रस्तुत किए सभी प्रगतिशील बजट थे, जिन्होंने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी हर बार, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे व्यापारी है और चाहे जनप्रतिनिधि है, सबके साथ उन्होंने सलाह करी किस चीज की जरूरत है प्रदेश में, हमें क्या काम करना चाहिए, और वो सारे के सारे काम उन्होंने उसमें शामिल किए। तो इस बार का भी जो बजट होगा तो निश्चित तौर से प्रगतिशील बजट होगा। हम लोक लुभावने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बल्कि इस बात के लिए हम काम करेंगे कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से मजबूत हो सकती है। मोदी जी ने भी इस चीज का जिक्र किया था अभी कि हमारा जो मेन है कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था को हमने आगे लेके जाना। आपने भी सेम जिक्र किया कि हम अर्थव्यवस्था को आगे लेके जाएंगे। उन्होंने कहा था कि एक बार फिर से मोदी सरकार आएगी तो अर्थव्यवस्था और भी हमारी ऊपर जाएगी, तो क्या हरियाणा में भी यही जो वो चलेगा सारा? देखिए, लोगों की डिमांड भी यही है। लोग भी कोई लोक लुभावने बजट की ना हमारे से उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हमें चुनी ऐसे रखे जहां वो उम्मीद भी ये रख रहे हैं कि हमारे से कि देश को कितनी जल्दी आप मजबूत करके आगे लेके जाएंगे। जो मोदी जी ने कहा कि 2047 तक हमने भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, तो लोग भी उसमें शामिल है। उन्होंने जिम्मेदारी हमारे जिम्मे दी, सरकार के जिम्मे जिम्मेदारी दी प्रतिनिधि के तौर पर, लेकिन वो पीछे इसके खड़े हैं कि भाई हमें लोक लुभावना नहीं चाहिए, हमें तो ऐसा ही चाहिए कि जिससे देश नंबर वन बनना चाहिए। अगर पहले हम 10वें नंबर पे थे तो आज हम 5वें नंबर में हैं, और 2027 में दुनिया सारी इस बात को मान रही है कि जो 3 आर्थिक ताकतें होंगी दुनिया की उनमें से भारत एक होगा। तो लोग इस बात से खुश हैं। लोगों को बहुत ज्यादा ऐसा फ्री फ्री कुछ नहीं चाहिए, लोग इसके लिए कोई बहुत तैयार भी नहीं है। लोग कहते हैं कि नहीं, हम नंबर वन होने चाहिए। तो जब लोगों का इरादा ये है और उन्होंने इसी प्रकार के लोग चुने, तो निश्चित तौर से हम बजट भी ऐसे ही प्रस्तुत करेंगे। अब बजट की बात चल रही है तो कल्याण हो, आपके महकमे की अगर बात की जाए, जो जो डिपार्टमेंट्स आपके पास हैं उसमें से क्या खास इस बार जो है हरियाणा के बजट में आप लोग आपकी तरफ से जो रहेगा इस बार? नहीं देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम निश्चित तौर से हमने डिमांड की है और हमें हर बार पैसा जो है बढ़ के मिल रहा, चाहे इस पिछले साल का बजट है चाहे उससे पिछले साल का बजट है, हर बार हमें बढ़ा के मुख्यमंत्री जी ने जो धन है वो आवंटित किया हमें, और अब की बार भी हमें उम्मीद है कि ज्यादा मिलेगा। सर, नौकरियों को लेकर लगातार आज भी आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। सीएम हाउस का जरा उन्होंने हालांकि ऐलान पहले कर दिया था और वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने नौकरियां नहीं दी बल्कि यहाँ के युवाओं को विदेशों में भेजा जा रहा, तो क्यों नहीं हरियाणा में चीज हो रही? देखिए, प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन है, कोई कारण नहीं है। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, उन्हें 80,000 नौकरियां दी, हमने अभी तक 1,20,000 कर दी, 60,000 हमने और कर रखी। तो मैंने ये बात कही कि अगर हमारा जो नौकरियां हैं अगर हम दुगुनी देंगे पिछली सरकार से तो तब हमें पास करना, अगर दुगुनी से ज्यादा देंगे। डेवलपमेंट मेरा यही है कि अगर हम 3 गुना ज्यादा करेंगे तब हमारे डेवलपमेंट को मानना, तो इसके नहीं। और जो बाहर भेजने की बात हो कह रहे हैं, तो बाहर भेजने में अगर हम सहयोग कर रहे हैं तो उसमें नुकसान क्या है? अब जाने वाला जो बच्चा है उसे जाना ही है, चाहे वो कनाडा जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, चाहे वो इजराइल जाए, चाहे यूक्रेन जाए, कहीं भी जाए, वो तो बच्चे का अपना फाइनल है कि उसने कहां जाना कहां नहीं जाना। तो अगर सरकार उसमें सहयोग करती है तो मैं समझता हूं कि जो बीच में काला बाजारी होती है, उनके साथ जो कबूतरबाजी होती है, तो निश्चित तौर से उससे जो है उनको छुटकारा मिलेगा। हाँ। और उनको सही दिशा मिलेगी। कांग्रेस की भी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है क्योंकि बजट को लेकर उन्होंने किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना, इसकी तैयारी वो लोग कर रहे हैं, तो लगता है इस बार का भी हंगामा बढ़ रहा है? नहीं, ये तो उनकी जिम्मेदारी है, इस प्रकार की तैयारी उन्हें करनी चाहिए। हर बार वो इस प्रकार की तैयारी करते हैं लेकिन हर बार वो कोई भी विषय ले नहीं सकते। और मैं दावे के साथ कह रहा कि आपने पहले भी सेशन देखे होंगे, अब भी सेशन देखते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी कभी भी इस प्रकार से नहीं कि आपने सवाल कुछ पूछा जवाब कुछ है, तो हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। तैयारी सरकार ने पूरी कर ली है और 20 तारीख को बजट सत्र शुरू हो जाएगा हरियाणा का और 23 को बजट पेश किया जाएगा। देखना बड़ा अहम रहेगा कि इस बार के बजट में हरियाणा के लोगों के लिए क्या खास रहने वाला है। चंडीगढ़ से कैमरामैन अरचिंदर के साथ TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।